गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। अभी अभी आपके लिए एक चिकन का वीडियो शूट किया है और नहीं देखा है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जाके चेकआउट कर लेना। साथ ही साथ मेरा आज का टॉपिक उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो अपने पेट की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, जिनको जो है पाइल्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, इवन पाइल्स से भी बढ़कर जो प्रॉब्लम जस्ट लाइक फिशर एंड अदर्स जो भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है उन सब से रिलेटेड ये वीडियोज़ है। बिकॉज मेरे पास बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पाइल्स एंड फिशर का बहुत अच्छे से डाइट के थ्रू उन चीज़ों को जड़ से ख़त्म किया है। जी हाँ, अगर आप भी इन चीज़ों को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो ये स्पेशल वीडियो आपके लिए है, पूरा देखिएगा। साथ ही साथ दो तीन चीज़ों का सीज़न ऐसा आ गया है। देखिए, मेरा पूरी तरह से नेचुरल रिलेटेड चैनल है तो जब सीजनल चीज़ें आती हैं उससे रिलेटेड मैं तभी आज आप लोग के साथ चीज़ें जो मतलब डे बाई डे शेयर करती ही रहती हूँ, तो आज भी उस चीज़ का सीज़न आ गया है इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। नेचुरल चीज़ों के साथ अगर आप अपने आप को सही कर रहे हो तो वो ज़्यादा बेस्ट तरीका है कि किस तरह से आप पाइल से लड़ सकते हो, फिशर से लड़ सकते हो। जस्ट लाइक इनसे रिलेटेड जितने लोग भी हैं उनका वेट लॉस कभी नहीं होता, बिकॉज वेट लॉस उन्हीं का होता है जिनका पेट बहुत ज़्यादा सही रहता है। आप अच्छे से डाइट कंज्यूम करते हो वो भी अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए और साथ ही साथ वो भी आपकी बॉडी से निकल जाए, क्योंकि खा तो आप रहे हो लेकिन अगर वो बाहर नहीं निकलेगी तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये चीज़ आपके मल के थ्रू आपका वेट लॉस भी करेगी, आपको पाइल्स की दिक्कत भी नहीं होने देगी, इन फ्यूचर अगर है तो उसे भी सही करेगी। तो कहीं ना कहीं आप अपने जो भी पेट सुबह क्लीन कर रहे हो उसके थ्रू भी कई किलो वजन कम कर सकते हो। ये एक स्टडी में भी जो है पूरी तरह से अप्रूव हुआ है कि जी हाँ, आप अगर अपने पेट पे बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो, सुबह आपका पेट बहुत अच्छे से क्लीन हो रहा है तो ये वेट लॉस का सबसे फर्स्ट रूल है। मतलब कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं, इवन आपको एक्सरसाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आपका पेट बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो चलिए आज की सीजनल चीज़ दिखाते हैं कि किस तरह से आपको लेना है, कैसे कंज्यूम करना है, और साथ ही साथ हर कोई ले सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको जस्ट पाइल्स की प्रॉब्लम है तो आप ले सकते हो। चलिए दिखाती हूँ क्या। इस समय मूलियों का सीज़न बहुत अच्छा है और मार्केट में बहुत फ्रेश मूलियाँ मिल रही हैं, और स्पेशली आपको तीन मूली लेनी हो, तीन मूली के आपको फ्रेश पत्ते भी लेने हैं। बहुत अच्छे से वॉश कर लीजिए, ऊपर का जो है उसे निकाल दीजिए। और मैं अगर इसके बेनिफिट्स की बात करूँ तो किडनी स्टोन के लिए मूली बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, कैंसर से बहुत अच्छे से बचाव करती है, वेट लॉस के लिए तो मतलब ऑसम रिजल्ट ये देती है, लीवर के लिए बहुत अच्छी है। और मैं लीवर के लिए इसलिए भी बोलूँगी बिकॉज ये बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छे से करती है, विषैले पदार्थ आपकी बॉडी से बहुत अच्छे से निकालती है। और मैं बोलूँगी मूली में सल्फर युक्त यौगिक की उच्च मात्रा होती है, मूली को लीवर डिटॉक्सिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इतना ही नहीं, मूली को जॉइंटिस के इलाज के लिए भी हेल्प करता है, ये तो आप सबको एक नॉर्मल सी बात है, पता ही होगी। कब्ज में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, लिकोडर्मा में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, अगर आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, कब्ज के लिए जैसे मैंने बोला ऑसम है। 100 ग्राम्स मूली में लगभग 1.6 ग्राम फाइबर होता है, इसीलिए बहुत अच्छे से आपके पेट को साफ करता है, बॉडी को क्लीन करता है। और बॉडी क्लीन होगी तो यू नो कि आपको अगर बवासीर और सीट की दिक्कत हो रही है तो बहुत अच्छे से आपको क्लीन होगी। मूलियों को अच्छे से काट लेना है, पत्तियों को भी ले लेना है, इम्यूनिटी बूस्टर है, पाचन के लिए बहुत हेल्प है। आपने देखा होगा मार्केट में एक तरह का लैक्सेटिव मिलता है जो कि 400-500 रुपये का आई थिंक मिलता है, और डॉक्टर नॉर्मली पेट साफ करने के लिए रोज़ रात को देते हैं, लेकिन मूली एक ऐसी चीज़ है जिसमें नेचुरल लैक्सेटिव की तरह ही काम करता है। अगर इस तरह से जैसे मैं बोल रही हूँ आप लोग ना, आप इसका जूस बना लो बहुत अच्छे से, तो एकदम ओरिजिनल मार्केट में जो मिलता है, मैं मुझे कंपनी का एग्जैक्टली नाम नहीं पता है, आप सर्च करना इसको कि किस कंपनी के नाम से मिलता है, लेकिन हाँ वो 400-500 रुपये का होता है लैक्सेटिव जो मैं बोल रही हूँ उसको सर्च करना। और लेकिन ये नेचुरल है, मतलब उसमें तो शुगर होती है, शुगर वाला मिलता है, लेकिन ये नेचुरल है बहुत अच्छे से, और वो इस मोस्टली पेट साफ करने में दिया जाता है जब आपको पाइल्स की दिक्कत होती है या फिर आपका बैक साइड में थोड़ी स्वेलिंग होती है, वेट लॉस नहीं हो रहा होता है। और वेट लॉस करने का फर्स्ट जो मैं हमेशा से बोलती हूँ एक रहा है कि पेट क्लीन होना चाहिए, तो इसका बहुत अच्छे तीन मूलियों से ज़्यादा मत लीजिएगा वरना बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करोगे और फिर आपको प्रॉब्लम भी हो जाएगी। तीन मूलियाँ देन उनके पत्ते लेना कैसे है वो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी। और
ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, स्किन डिजीज़ में बहुत हेल्प करता है और बालों के लिए भी बहुत अच्छा हेल्प करता है। अगर आप इसको जस्ट लाइक जैसे मैं एक वीडियो में बताऊंगी कि अपने बालों पे लगाओगे तो बहुत हेल्प करेगा, पूरा एक ग्लास कोशिश करना निकल आए, क्योंकि ऑलरेडी मूली में बहुत ज़्यादा पानी होता है मूली में बहुत ज़्यादा क्या पानी होता है। जिसको जो उसको सुबह खाली पेट उठ के लेना है, जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यानी फिशर जस्ट लाइक इस कंडीशन में आप पहुँच गए, ऑपरेशन कराने की कंडीशन में पहुँच गए, रात में भी ले लेना, दैट्स इट, आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मॉर्निंग में आप हल्का सा अगर काला नमक मिला के ले रहे हो नो प्रॉब्लम, लेकिन हाँ विदाउट काला नमक मिला के लोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन सुबह खाली पेट उठ के सबसे पहले लेना स्टार्ट कर दो, इस समय जो भी सीजनल चीज़ है आप लेना स्टार्ट कर दो। जिनको मूली से एलर्जी है वो बिकॉज अमरूद भी मार्केट में आ गया, अमरूद का जूस लेना स्टार्ट कर दो, उसकी रेसिपी भी आज या कल में मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी, आप चेकआउट कर लेना किस तरह से उसे लेना है। अगर आप कोई मूली नहीं पी पा रहे हो एक दो दिन पी के देखो, और फिर भी इनकेस बहुत बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, नहीं आपको उतना ज़्यादा फायदेमंद मिल रहा है तो आप उसका जूस लेना, तो उसका वीडियो भी एक दो दिन में आपको मिल जाएगा। आई होप गाइस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अगर क्लियर नहीं हुआ है तो मुझे नीचे मैसेज कर देना, साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, बीइंग ब्यूटीफुल सुगम मेरी आईडी है, और मुझे आप मेल भी कर सकते हो sugam.amit@gmail.com। वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पसंद हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।